नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नपेंगे या बचेंगे, ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है। विपक्ष एक सुर में इस्तीफे की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी में सभी तेजस्वी के साथ खड़े हैं, लालू भी विधायक भी। लालू ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, सबने एक सुर में कहा जहां तेजस्वी वहां हम। लालू ने ठाना बेटे से इस्तीफा नहीं दिलाना, बेटे को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे लालू। लालू के लाल नपेंगे या बचेंगे, फैसला अब नीतीश कुमार करेंगे। तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं। मोदी सरकार में एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले के लोग मंत्री बने हुए हैं। पहले जो है खुद अमित शाह जी दे दें इस्तीफे। लालू के तेजस्वी लाल पर सीबीआई छापों की आफत आई तो परिवार के साथ साथ पूरी पार्टी एक साथ खड़ी हो गई। लालू परिवार पर भले ही बेनामी संपत्ति और हवाला के आरोपों की भरमार हो, लेकिन पार्टी वही करेगी जो लालू कहेंगे। पार्टी का स्टैंड वही है जो लालू यादव का स्टैंड है। फैसला हो गया कि तेजस्वी यादव नहीं देंगे इस्तीफा। हमारे यहाँ हमारी बैठक में कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि तेजस्वी के कार्य की प्रशंसा की गई और तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं, ये सर्वसम्मति से उनके प्रति। असल में आप लोग पढ़िएगा तो सबका जवाब उसमें है। लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई छापों के बाद से ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सीबीआई ने एफआईआर में जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि तेजस्वी इस्तीफा दें, लेकिन लालू यादव ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं है। अपनी बात पर पार्टी की मुहर लगवाने के लिए ही लालू ने अपने घर पर आरजेडी विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी। बैठक से पहले ही लालू के सिपहसालार तेजस्वी के पक्ष में बैटिंग करते नजर आ रहे थे। हल्का भी अनुभवी व्यक्ति है, वो यही कह रहा है बिहार के अंदर में कि तेजस्वी प्रसाद किस बात के लिए इस्तीफा देंगे, आखिर उन्होंने किया क्या है। सवाल है कि आप किसी को घेर लें, किसी पर एफआईआर करवा दें, षड्यंत्र कर दें, यह देश में लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो सकता है, यह आचरण लोकतांत्रिक नहीं है। क्या चीज का इस्तीफा, क्यों इस्तीफा? इस्तीफा दिलाना पहले उमा भारती जी को दिलवा दें इस्तीफा, पहले जो है खुद अमित शाह जी दे दें इस्तीफे। प्रधानमंत्री जी जो है बहुत अन्याय किए हैं गुजरात में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे विधायक और मंत्री बैठे हुए हैं मीटिंग के लिए, आप देख सकते हैं लगभग सभी के सभी विधायक और मंत्री यहां पर मौजूद हैं। सामने मंच पे लालू प्रसाद यादव आरजेडी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, जयप्रकाश यादव सांसद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री, ये तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आरजेडी की इस बैठक से तीन बातें तो साफ हो गई। तेजस्वी यादव नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देंगे। लालू यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ाई और तेज करेंगे। 27 अगस्त की रैली में आरजेडी पूरी ताकत झोंक देगी। देखिए, ये तो पहले से अपेक्षा थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। जो पार्टी शहाबुद्दीन को सस्पेंड तक नहीं कर सकती है, और जब लालू यादव चारा घोटाले में जब चार्जशीट फाइल हो गया तो भी उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और ये कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो आप लालू यादव और उनकी पार्टी से उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं। 10 साल के वनवास के बाद बिहार में लालू यादव का परिवार सत्ता का हिस्सेदार बना है। ऐसे में लालू किसी सूरत में नहीं चाहते कि उनके कुनबे का राजपाट जाए। अब सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर हैं। नीतीश ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज और अशोक सिंघल के साथ पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह आज तक। लालू को तो बेटे का साथ देना ही था, लेकिन सवाल तो ये नीतीश कुमार के लिए है, शायद उनकी सियासत की इस जिंदगी में सबसे बड़ा असमंजस, और वो ये
कि क्या वो तेजस्वी के मामले में जो चुप्पी अब तक साधे हुए हैं उसे बरकरार रखेंगे या फिर कोई फैसला लेंगे, क्योंकि सुशासन की छवि और भ्रष्टाचार के आरोप एक साथ कब तक चलेंगे। जहां लालू यादव हैं वहीं उनका परिवार है, जहां उनका परिवार है उनकी पार्टी भी वहीं खड़ी है। आरजेडी विधायकों की बैठक में साफ हो गया कि तेजस्वी यादव फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं बिहार सरकार में गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी लालू यादव के सुर में सुर मिला दिया है। कांग्रेस भी बीजेपी से पूछ रही है कि क्या उमा भारती ने इस्तीफा दिया जो तेजस्वी से इस्तीफा मांगने लगे। तेजस्वी यादव को रिजाइन करने की बात है, मैं समझता हूं कि ये बहुत प्रारंभिक अवस्था है। जब न्यायालय इस पर कोई निर्णय सुनाया जाता है तभी है। मुकदमा सीबीआई कोर्ट में एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जी उनके पर था और वो गृह मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे और उमा भारती जी तो अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और कोई उनसे किसी ने पूछा कि आप इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा क्यों इस्तीफा देंगे। तेजस्वी के इस्तीफे के मसले पर आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन अभी तक नीतीश की चुप्पी नहीं टूटी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार की हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए वो इस मुद्दे से समझौता करेंगे या फिर तेजस्वी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई। हालांकि आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि रविवार की रात में नीतीश और लालू में बातचीत हुई है। कल वो भी बात किए हैं, क्या बात कर रहे हैं? बात किए हैं कल, तो कल वो भी बात किए। तबीयत खराब होने के चलते वो नहीं बात किए, कल लालू जी से वो भी बात। खबरें यहां तक हैं कि नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठक में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि आरजेडी उनके इस फैसले को उनकी सेहत से जोड़कर देख रही है, जबकि जेडीयू नेता शरद यादव कह रहे हैं कि दिल्ली की बैठक में नीतीश नहीं गए तो वो खुद चले जाएंगे। मीटिंग हमारी पार्टी की और आरजेडी की दोनों की हो रही, जो परिस्थिति है, जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसके लिए दोनों की मीटिंग हो रही है। यहाँ जो 11 तारीख की मीटिंग है, हो सकता है संभव हो तो हम चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो अपने बोलेंगे। ये सब मामला आने के बाद तबीयत खराब हो गया? नहीं, पहले से तबीयत खराब। बिहार में ताजा हालात से नीतीश कुमार भी असमंजस में पड़े हुए हैं। इधर कुआं उधर खाई वाली हालत हो गई है। अगर तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से हटाएं तो सत्ता जाने का खतरा है। अगर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद तेजस्वी मंत्रिमंडल में बने रहे तो नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि पर दाग लग जाएगा। नीतीश कश्मकश में है तो विपक्ष उन्हें बहुत कुछ याद दिलाने की कोशिश में है। बिहार की सियासत में फिलहाल तो बाहर की जगह हाहाकार है। राष्ट्रपति चुनाव के मसले पर तो लालू और नीतीश की राहें पहले से ही जुदा हो गई हैं। अब सवाल तेजस्वी के भविष्य का है, महागठबंधन की कामयाबी का है। नीतीश का रुख इन दोनों के भविष्य पर मुहर लगाएगा। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। इधर आरजेडी जेडीयू गठबंधन में दरार पड़ी, उधर बीजेपी भुनाने में पड़ी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी अध्यक्ष बिहार के ये कह रहे हैं कि अगर दरार गहराई तो हम साथ दे देंगे नीतीश का। अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर देंगे तो आरजेडी तो अपना समर्थन वापस ले लेगी, उनके पास उतने नंबर्स नहीं है। अगर वापस ले लेगी तो हम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार जी को समर्थन करने पर विचार करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो समर्थन देंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक लश्कर के आतंकी को पकड़ा, नाम पूछा तो आदिल बताया, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की और उसकी सच्चाई तक पहुंची तो खुद भौचक्का रह गई। यूपी का रहने वाला है, उसका असली नाम संदीप शर्मा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में काला नकाब पहने खड़ा ये शख्स कश्मीर में आतंकवाद का अनोखा चेहरा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लश्कर आतंकी बशीर लश्करी से एनकाउंटर के वक्त गिरफ्तार किया। पूछताछ में इस आतंकी ने अपना नाम तो आदिल बताया, लेकिन पता चला कि इसका असली नाम संदीप शर्मा है और ये यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है।
एनकाउंटर जहाँ जिस घर में हुआ वहाँ उसी घर से एक संदीप कुमार शर्मा सनफ राम कुमार शर्मा रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फरनगर यूपी उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद जब हमने उसकी पूछताछ की उससे ये पता चला कि वो भी लश्कर का जो मॉड्यूल है उसका एक हिस्सा है जो साउथ कश्मीर में ऑपरेट करता है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आदिल कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। एसरचओ फिरोज डार पर हमले में भी वो शामिल था। इसके अलावा आदिल बैंक एटीएम और हथियार लूट में भी शामिल था। संदीप शर्मा 2012 में कश्मीर पहुंचा था। सोपोर के रहने वाले एक शख्स शकूर के जरिए वो लश्कर से जुड़ा। सूत्रों के मुताबिक संदीप शर्मा को कश्मीर की एक लड़की से इश्क हो गया। उससे शादी के बाद ही उसने अपना नाम बदला। लश्कर आतंकी शकूर के जरिए वो लश्कर से जुड़ा और आतंकवादी बन गया। मुजफ्फरनगर के संदीप शर्मा का नाम जब लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा तो उत्तर प्रदेश पुलिस का चौंकना लाजमी था। पुलिस संदीप शर्मा के इतिहास को खंगाल रही है। परिवार वालों से बातचीत में पुलिस ने यह पाया है कि तकरीबन 8 साल पहले संदीप कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर जा चुका था जहां उसने एक स्थानीय लड़की से शादी की है और उसके बाद उसका नाम आदिल हो चुका है। मुजफ्फरनगर के इसी मकान में संदीप कई सालों पहले अपने परिवार के साथ रहता था। अब लश्कर आतंकी के तौर पर उसकी नई पहचान को लेकर आस पड़ोस के लोग हैरान है। 8 दोस्त नाव पर सवार होकर फेसबुक लाइव सेल्फी मोड में खूब सारी बातें मौज मस्ती ये होगा वो होगा लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि अगले ही लम्हे क्या हो जाएगा। फेसबुक लाइव में मौत। पानी के बीच में बहुत नजारा देख नजारा देख। फेसबुक पर लाइव चल रहे इस वीडियो में आपको इन नौजवान लड़कों की मौज मस्ती दिखाई दे रही है। नाव पर हुड़दंग मचाते इन लड़कों का भरपूर शोर भी सुनाई दे रहा है लेकिन इस वीडियो में एक ऐसी चीज है जो आपको दिखाई नहीं देगी। एक आवाज है जो आपको सुनाई नहीं देगी। जी हां, वो है मौत। अंदाजा इन सबको भी नहीं था कि मौत उनकी नाव के इर्द गिर्द मंडरा रही है। ये लड़के तो फेसबुक लाइव में इतने मगन थे कि कभी जोर जोर से ये बताते कि पानी में कितना मजा आ रहा है तो कभी पानी पर बॉलीवुड के हिंदी गाने गुनगुनाते। लेकिन मौत इन लड़कों से महज एक गलती की दूरी पर थी और जैसे ही वो गलती हुई मौत ने इन 11 लड़कों में से 8 को अपनी आगोश में ले लिया। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे आखिर वो कौन सी गलती है जिसने इन लड़कों को मौत के मुंह में धकेल दिया। नाव पर सवार इन 11 ने ऐसा क्या किया जो इन पर मौत झपट पड़ी। ग्रुप सेल्फी ने ले ली 8 लड़कों की जान। सेल्फी के चक्कर में पलट गई खचाखच भरी नाव। सेल्फी वीडियो लेने के चक्कर में हो गया भयंकर हादसा। मौत तो इन 11 लड़कों के पास उसी वक्त आ खड़ी हुई थी जब इन्होंने जबरदस्ती एक नाव पर सवार होकर नाव वाले से पानी में नाव की सैर कराने को कहा। बेचारा नाविक मना करता रह गया लेकिन ये सारे लड़के मौत को दावत देने पर उतारू हो गए। नाव पर सवार हुए तो हुए बीच मझधार में जाकर इन लड़कों ने जो हुड़दंग मचाना शुरू किया वो भी मौत को बुलावा देने से कम नहीं था। पानी पानी घुसेंगे। बीच मझधार में जाकर इन लड़कों ने फेसबुक का लाइव पेज खोल लिया और अपने दोस्तों को ये बताने लगे कि वो कैसे मजे कर रहे हैं। चलिए आपको फेसबुक लाइव का पूरा वीडियो सुनाते हैं। पानी के बीच में बहुत क्या बताऊं बंके तू आला नहीं तू पागल है बंकिया मिस केला तू पगला है पगला आला नहीं रे बढ़िया
बहुत बढ़िया, नजारा देख, नजारा देख, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा, बहुत जास्त। ए गाइस, सनसेट हियर, हो सनसेट दिखा भैया को, सनसेट, यो यो, झाड़ उड़ के ले झाड़। अमित बहुत मजा भाई, बहुत ज्यादा एंजॉय लॉट। 200 के स्पीड से चलेंगे पूरा पुल्लू। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फेसबुक पर लाइव करते करते इन लड़कों ने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी, वो गलती जिसका इंतजार मौत कर रही थी। ये सारे लड़के वीडियो सेल्फी लेने लगे और यहीं पर नाव का बैलेंस बिगड़ गया और सारे के सारे मौत के इस दरिया में समा गए। यह हादसा नागपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर नागपुर अमरावती रोड पर बने वेणा डैम पर हुआ। नाव पर 3 नाविकों समेत 11 लोग सवार थे, इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई और 3 बच गए। जैसे ही नाव पलटी, नाविक अतुल बावने और 2 लोग किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच गए। नाव चालक बावने ने हादसे की जानकारी इलाके के लोगों को दी। खबर मिलते ही गांव के लोग पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम से लेकर स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के 40 लोग बचाव और राहत के काम में जुट गए। पुणे से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। 6 लोगों के शव कुछ घंटे की मशक्कत के बाद बरामद कर लिए गए। इस मौज मस्ती के पीछे भी एक कहानी है। क्या है वो कहानी जो इन लड़कों को मौत के मुंह तक ले गई? खुलासा अभी बाकी है। नागपुर से कौशलेंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। इसे कहते हैं आ मौत मुझे मार। आप पार्टी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, दोस्त के बर्थडे में सभी जश्न मना रहे थे, नाव पर डांस करने की सोच ली, 8 दोस्त डूब के मर गए। नागपुर में वेणा नदी का ये डैम 8 दोस्तों को निगल गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नदी के इर्द लोगों की भीड़ जमा है और नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नागपुर के इस डैम के पास लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। रविवार को शहर के दत्तात्रेय नगर के 8 लोग यहाँ पिकनिक मनाने और मौज मस्ती के मूड में पहुंचे। इनमें से एक दोस्त का जन्मदिन था और उसकी पार्टी मनाने के लिए ये सारे लोग वेणा डैम पर इकट्ठा हुए थे। पार्टी के बाद इन लोगों ने नाव में बैठकर पानी का मजा लेने का प्लान बनाया। बंकिया तू आना नहीं, तू पागल है बंकिया। अबे ए मिस के अबे ए चल लाइव वीडियो जा साइड साइड इतनी एक्साइटेड हो गया। आजकल तू पगला है, पगला आला नहीं रे। जानकारी के मुताबिक नागपुर के इन लोगों ने नाव चालक रोशन खंदारे, अक्षय खंदारे और अतुल बावने से नाव तय की। इन नाव चालकों ने सभी दोस्तों को एक साथ नाव पर सवार होने से मना किया, लेकिन कहते हैं ना, जब मौत बुलाती है तो एक बहाना चाहिए होता है। इन लड़कों ने नाविकों की एक ना सुनी तो नाव पर इतने सारे लोग सवार हुए, ऊपर से कोई गाना गाने लगा तो कोई डांस करने लगा। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग नाव पर हुड़दंग मचा रहे हैं। नाव चालकों ने ऐसा करने से भी मना किया, लेकिन उसकी बात को इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। हद तो तब हो गई जब ये सारे दोस्त एक साथ सेल्फी लेने लगे और वहीं पर नाव डगमगा गई और गहरे पानी में डूब गई।
जिस वक्त नाव लड़खड़ाई, इन आठ दोस्तों में से एक लड़के ने कहा भी, हिलो मत, नाव डगमगा रही है और मुझे डर लग रहा है। लेकिन मजाक में दूसरे लड़के ने ये कहा कि देखो परेश को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि नवंबर में उसकी शादी है। लेकिन चंद ही सेकंड में ये डर मौत बन गया। नागपुर से कौशलेंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात तिब्बत की, ये तस्वीरें आपको हिला देंगी। 5 मंजिली इमारत और कैसे सैलाब ने उसे बिल्कुल धराशायी कर दिया। तबाही की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक बिल्डिंग धराशायी हो रही है। बारिश और नदी में आई बाढ़ से एक 5 मंजिला इमारत गिर रही है। और अब इस तस्वीर को भी देखिए, कैसे नदी के किनारे खड़ा हुआ ट्रक बह रहा है। मूसलाधार बारिश से नदी में ऐसी बाढ़ आई कि किनारों की मिट्टी भी कट कर बह गई और ऐसे में किनारे पर खड़ा ट्रक भी नदी में उफनते सैलाब की भेंट चढ़ गया। जी हां, ये दोनों तस्वीरें तिब्बत की हैं। कई दिनों से तिब्बत में भयंकर बारिश हो रही है और अब ये बारिश लोगों के लिए तबाही लेकर आ रही है। नदी के किनारे बनी इस इमारत को बाढ़ ने कमजोर बना दिया। वो तो अच्छा था कि वक्त रहते इस 5 मंजिला इमारत को खाली करा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ ऐसा ही ट्रक के साथ भी हुआ। नदी के पास एक ट्रक वाला अपने ट्रक को खड़ा करके चला गया, लेकिन मूसलाधार तबाही में ट्रक नदी में तिनके की तरह बह गया। और ये तस्वीरें असम की हैं। पूर्वोत्तर में कुदरत कुछ ज्यादा बेरहम बनी हुई है। असम के 15 जिलों में भयानक बाढ़ आई हुई है। 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अभी तक असम में बाढ़ से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1100 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती तबाह और बर्बाद। और अब आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर का फसाना। एक तरफ मेजर गोगोई ने जब पत्थरबाज फारूक अहमद डार को जीप से बांधा था तो सेना ने मेजर गोगोई को सलाम किया, नवाजा भी। दूसरी तरफ अब मानवाधिकार आयोग ने राज्य के ये कहा है कि फारूक अहमद डार पत्थरबाज को 10 लाख का मुआवजा दीजिए। पत्थरबाज को जीप के बोनट पर बांध कर घुमाने का आइडिया सेना के एक मेजर को आया, लेकिन बहस इस बात को लेकर छिड़ गई कि एक आम कश्मीरी को ऐसे खुली जीप में घुमाना क्या सही है। किसी को ये मानवाधिकार का उल्लंघन लगा तो किसी ने मेजर की सूझबूझ की सराहना की। तारीफ करने वालों में आर्मी चीफ भी थे, राजनेता भी थे। Will be treated like overground workers of the terrorists and will dealt with accordingly. सेना ने इसके लिए मेजर लितुल गोगोई को मेडल दिया तो वो देश के नायक बन गए और उन्हें आतंकवाद से जंग का पोस्टर बॉय बना दिया गया। लेकिन 3 महीने बाद अब इस तस्वीर का नया मतलब सामने आया है। जिस कारनामे पर मेजर गोगोई की पीठ थपथपाई गई उसे जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने आपत्तिजनक माना है। मानवाधिकार आयोग ने महबूबा मुफ्ती सरकार को 6 हफ्ते के भीतर पीड़ित फारूक अहमद डार को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो फैसला आया इस वक्त एक जेन्युइन फैसला है, एक सही फैसला है। और भी उस बेचारे को जो फारूक अहमद डार है, मेरे हिसाब से और भी जो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकता है इस टाइम पे करना चाहिए। और जो भी कुछ मेजर गोगोई ने उस पर किया, हमने उस वक्त भी कहा कि ये गलत है।
मानवाधिकार आयोग के इस आदेश से नई उलझने खड़ी हो गई हैं। देश की सेना, सरकारें और सियासी दल सराहना करें और देश का एक आयोग उसी हरकत पर उंगलियां उठा दे तो सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है, आखिर किसे सही माना जाए और किसे गलत। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।